क्या चल रहा है तुम्हें? भूल जाते हैं यार, माँ बाप उनको पाल पोस को बड़ा कर क्या टाइप है। मुझे ये समझ में नहीं आता भाई, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक है। अपने माँ बाप को देखो, ठीक है, अपने माँ बाप की केयर करो, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने हमें डोनेट किया है। उनमें सबसे पहले हमारे दोस्त मिस्टर आनंद प्रकाश जी, डिज्नी वर्ल्ड से, बरेली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने पहला सहयोग इसमें किया है हमारा। उसके बाद है मिस्टर अजय, विकासनगर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है संजय कुमार, जो कि आपका सिलावी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है अंकित राणा, जो कि एक फास्ट फूड कॉर्नर भी चलाते हैं। आप सभी के योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम और अच्छे से वर्क करें इस चीज़ पे, और सभी को बहुत 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 ही बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इस चीज़ पे डोनेट किया है, इस चीज़ के लिए डोनेशन किया है और हमारा सहयोग दिया है, प्लस हमें इस चीज़ के लिए आगे करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया है इस चीज़ में, इस वर्क के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। और बहुत सारी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन तो करना ही होगा, जैसे भी करेंगे करेंगे। सो गाइस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। हेलो गाइस, दिस इज अरुण, चैनल नेम इज द 209। आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, और हमारे पास एक छोटी सी स्टोरी भी है, आप वीडियो को एंड तक देखना, और कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपको अच्छा लगा, गलत लगा या एनीथिंग एल्स, जो भी आपको लगा हो कमेंट करना, तो हमें पता चलेगा भाई ये दुनिया में और कैसे कैसे बुद्धिजीव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, नॉन कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस वाले हैं। आज की जो स्टोरी है एक ऐसी माँ के ऊपर है जिन्होंने अपने माँ अपने बचपन में सॉरी अपने बचपन में क्या अपने बच्चों को बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, शादी करवाई, ठीक है, और लास्ट में उन बच्चों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। क्या क्या चल क्या रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में? कहाँ से ऐसी औलाद इंस्पायर्ड होती हैं, कहाँ से सीखती हैं ऐसी चीज़ें, मुझे ये समझ नहीं आता है यार। वो अपने दिन भूल जाते हैं क्या है? जब माँ बच्चे छोटे होते हैं, माँ बाप उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो क्या उनका प्यार भूल जाते हैं क्या है? मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आती, जिन माँ बाप ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया, ठीक है, कभी भूखे रहने नहीं दिया होगा, अपने आप भूखे जरूर रहेंगे, बट उन्होंने कोशिश करी होगी भाई कि उनको भूख से उसको उनको कोई दिक्कत ना हो, या भूखे ना रहें, भूखे ना सोएं, उनकी ज़िंदगी कैसी भी गई होगी, बट वो अपने जो बच्चे हैं, बच्चों की ज़िंदगी को कुल उनके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। चलो मान लो कि एक तरफ एक बार भी उन्होंने कुछ ना सोचा हो, बट फिर भी तुम लोगों को पाल पोस के बड़ा तो किया है ना, तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है कि अपने माँ बाप को उनके साथ रहने का, या उनके उनकी अब केयर करने का? अब वो जब बूढ़े हो चुके हैं, जब वो काम नहीं कर सकते हैं, तो क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता है कि उनके साथ रहें है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार ऐसी औलाद को ऐसी इंस्पायरेशन कहाँ से मिल जाती है कि भाई हम बड़े हो गए, अपनी शादी कर ली, बीवी को लेके फरार हो जाओ, अलग हो जाओ, ये क्या टाइप है? मुझे ये समझ में नहीं आता ये क्या हो गया था? भाई जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक है। अपने माँ बाप को देखो, ठीक है, अपने माँ बाप को केयर करो, ठीक है यार। मैं ऐसे ये नहीं कहता कि पूरी दुनिया में रहकर भी सभी ऐसे हैं, मगर गिने चुने कुछ ऐसे हैं
कि जिनकी मति वाक्य में ही घुटने में है, बुद्धि जो बोलते हैं ना, बुद्धि वाक्य ही घुटने में है, अकल से कोई काम ही नहीं है, दिमाग बिल्कुल चलता ही नहीं है। बीवी आ गई तो साले ये सोचते हैं कि साला बस जन्नत वही है, सब कुछ वही है, भूल जाते हैं सब कुछ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन ऐसे बंदों से जो ऐसी गलती करते हैं, भाई आज तुम छोड़ रहे हो ठीक है, कल के डेट में जब तुम्हारी औलाद होगी ना, जब तुम्हें छोड़ेगी बेटा, तब पता चलेगा तुम्हें कि क्या होता है इस चीज का, ठीक है, क्या होता है वो टाइम, जब ऐसी चीजें होती है, ऐसी सिचुएशन होती है, तब तुम्हें पता चलेगा इस चीज़ का, ठीक है। मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता इस चीज़ पर, क्योंकि मैं मेरे को इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और ऐसे लोगों पर तो खास कर इतना गुस्सा आता है जो साले अपनी औकात भूल जाते हैं, ठीक है, दो कौड़ी की औकात भूल के साले उड़ने को तैयार हो जाते हैं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हैव अ नाइस डे। दो लड़के हैं, दो लड़के कहाँ गए? पंजाब में है, शादी शुदा, शादी हो गए, बच्चों ने माँ छोड़ दिया, मतलब आप लोग? हाँ, बेचारा बुढ़ा हो गया बेटा, वो कबाड़ गिर गए, कौन उनके पापा, और आप मां के काम कर रहे हो। तो वो दो लड़के जो हैं आपके, वो क्या मतलब कहाँ पे हैं? है पास नहीं रहते, कहाँ रहते हैं? पंजाब में। तो आपने फोन करके बोला नहीं उनको कि हमें ऐसे से तकलीफ हो रही है? दिल से दिया यार, 4-5 साल से दवाई खा, तुम्हारे चक्कर में भी कर तो, तो, तो ये कैसे मतलब कैसी औलाद है जो भयंकर माँ बाप बीमार हैं तो साथ में आ नहीं सकते, जा नहीं सकते है? अरे आप रो मत, रो मत, ठीक है, सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपने दवाइयाँ जितनी भी यहाँ से ली उसका कोई असर नहीं हो रहा उसमें? चेकअप करवाया था आपने इनके पास? एक्सरे नहीं हो पा रहा है, एक्सरे के लिए कितना बोला उसने खर्चा? 800 रुपये मांगे थे। तो आपने अपने बच्चों को इतना पाल पोस के बड़ा करा, शादी करा दिया, तो वो काहे के लिए करवाया है, मतलब लास्ट में छोड़ जाने के लिए? कितने बच्चे हैं आपके? दो लड़की और दो लड़के। हाँ, लड़के बेचारे फोन करे हैं। लड़कियाँ फोन करती हैं? हाँ। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर जैसी मतलब इन जो जो माता जी अभी बैठी हुई थी यहाँ पे, उनके हमने जो बात सुनी, उनसे मैं ये फील हुआ कि इन्होंने अपने बच्चों को पैदा किया और उसके बाद वो बच्चे इनको पालने की वजह से छोड़ के चले गए, सच में बहुत बुरा लगता है इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। भले ही वो किस रीज़न से छोड़ा, किस नहीं रीज़न से छोड़ा, ये हम नहीं जानते, बट बहुत बुरा लगता है इस चीज़ के लिए यार। और आज वो जिस कंडीशन में है, ठीक है, अभी वो जिस कंडीशन में है, हम कोशिश करेंगे उनकी हेल्प, पूरी हेल्प करने की। और जितने भी भाइयों ने मेरे डोनेशन किया है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में असक्षम है इस चीज़ में। देखा आपने कि उनके पैर में तकलीफ थी, फिर भी वो गए, दवाइयाँ खाई उन्होंने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उन्हें। हम पूरी कोशिश करेंगे इनका इलाज करवाने के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है योगदान दें, ताकि हम ऐसे लोगों की हेल्प कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।